वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को किस तरह ऐड करना है। तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है, दो, इनको ऐड करना है आपस में। सो टॉपिक पर जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है, जब हम किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक खास किस्म का नंबर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी एक चीज़ है, उसको हमने दो हिस्से में बांटा है तो क्या होगा, हमारे पास उससे दो हिस्से बनेंगे और हम जितने हिस्से उसके लेंगे उनको ऊपर ऐड करेंगे और एक लाइन लगा के जो टोटल उसके पार्ट हैं, हिस्से हैं, वो क्या आएंगे, नीचे आएंगे। तो ये फ्रैक्शन बन गई। अब उसके बाद हमारे पास होती है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। उसमें एक टाइप है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स में क्या होता है कि हमारे पास एक होल नंबर भी होता है और साथ उसके एक फ्रैक्शन भी होती है। जैसे ये हमारे पास 5 है, इसको हम पढ़ेंगे 5 होल। ये हमारे पास मुकम्मल है, यानी 5 पार्ट्स मुकम्मल हैं। और एक और जो 6 पार्ट था, हमने क्या किया, उसके जो 2 पार्ट्स बना लिए, दो में से हमने क्या किया, एक पार्ट ले लिया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5 होल 1/2। इस तरह हमारे पास एक और फ्रैक्शन है 6 होल 2/3। 6 हमारे पास कंप्लीट है, मुकम्मल है। और 7th को हमने क्या किया, 3 बराबर इसमें बांट दिया और उनमें से 2 ले लिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 होल 2/3। तो आज हम सीखेंगे कि इनको ऐड कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके एडिशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसमें जो होल है और जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन ऐड करेंगे। तो नीचे जो है हमारे पास 2 जो है एज इट इज़ आ जाएगा इस फ्रैक्शन में, और क्या होगा, 5 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। हम 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और इसको क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। किसके अंदर हमने ऐड करना है, उसको जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर है वो क्या है, 1 है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस का सिंबल है। आप सेकंड फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही काम है कि नीचे हमारे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर 3 आएगा, और क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और जिसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास उसको क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है। जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमरेटर था उसमें ऐड करते हैं, वो क्या है, 2 था, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। हमने क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना है। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 10 बन जाएगा, 1 राइट कर दें, तो नीचे हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 2s are 10 प्लस 1 आ गया। उसके बाद अगेन हमने इसको राइट करना है, तो प्लस का सिंबल राइट करें, और क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा हमारे पास, 18 आता है, इसको राइट कर दें। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। 10 प्लस 1 क्या होता है आप जानते हैं, 11 होता है, इसको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 11/2, 2 नीचे आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, जो सेकंड फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी, 18+2 20/3। तो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसके बाद क्या करना है, हमने इनको ऐड करना है। तो इसका एडिशन का मेथड बिल्कुल सिंपल है। एक तो हमारे पास क्या होता है कि हम इसके जो हमारे पास नीचे वाले नंबर हैं, ये अगर सेम हो तो हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं, बट अगर ये सेम ना हो, यानी डिनोमिनेटर जो है वो अनलाइक हो, यानी एक जैसे ना हो, तो उसका मेथड ये होता है कि या तो हम उनका एलसीएम लेते हैं, या हमारे पास मेथड है बटरफ्लाई मेथड, उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। और एक और मेथड है, हमने क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको किस तरीके से इक्वल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। आप निकालें 3 और 2 का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या हिंट है, अब आपने चेक करना है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी इन दोनों को कोई ऐसा नंबर इकट्ठे डिवाइड ना करता हो, क्योंकि 2 को जो है सिर्फ 2 डिवाइड करता है और 1 डिवाइड करता है, और 3 को क्या करता है, 3 डिवाइड करता है और 1 डिवाइड करता है। तो दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इसके एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 3 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने फ्रैक्शन राइट करनी है। फ्रैक्शन में नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 3 क्या होगा, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने इस 6 को जो फर्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन थी उस पर डिवाइड करना है, यानी 6 को 2 पर डिवाइड करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए। आप जानते हैं वो 3 है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। 3 को क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ, यानी 11 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 11 × 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद प्लस आना है हमारे पास, और प्लस के बाद हमारे पास जो सेकेंड हमारे पास डिनोमिनेटर था उसको चेक करें ज़रा। या तो आप 6 को 3 पे डिवाइड कर दें, आंसर क्या आता है, 2 आता है, या फिर 3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए। तो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 6 बनता है। तो 2 जो आंसर है हमारा, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा नेक्स्ट वो क्या होगा, 2 × 20। इसको क्लोज करें और आगे क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है।
तो 11 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या आ जाएगा 33। उसके बाद एडिशन का सिंबल है प्लस, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा, और डिवाइड किस पे होगा ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास 40 प्लस 33 क्या बन जाएगा हमारे पास ये 73 बन जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास नीचे 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुके हैं फ्रैक्शंस दोनों ऐड हो चुकी हैं, उसका आंसर क्या आ चुका है 73/6। तो इस तरह आप मिक्स फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक हाउ टू ऐड मिक्सड फ्रैक्शंस, कि हमने मिक्स फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगे आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस, आप उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आज हमने 2 फ्रैक्शंस को ऐड किया है, आप 2 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, उनको 1 भी आपस में क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। आई होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।